हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर फाइन। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। लास्ट में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 27 पंडित पंड्यायन पटेल वाला क्लियर किया था। सो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद वाला नेक्स्ट, यानी कि 28, और देखेंगे इसमें नया क्या है। सो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28। पहले हम सम देखते हैं क्या दिया है। सो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:1। सो यहाँ पे टू पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और इनका रेशियो है 2:1। सो यहाँ पे जो भी अकाउंट्स चाहिए वो सारे के सारे बनाए हैं। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैलेंस शीट्स। यहाँ पे और लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया है, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं लाइबिलिटीज साइड्स, तो कैपिटल ए एंड बी दिया है, फिर रिजर्व फंड दिया है, नेक्स्ट क्रेडिटर्स एंड लास्ट बिल्स पेएबल। चलिए एसेट साइड देखते हैं, तो एसेट साइड हमको क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स माइनस डेटर्स रिजर्व, बैड डेट रिजर्व एंड कैश या बैंक। सो ये था बैलेंस शीट। अब देखते हैं उसके एडजस्टमेंट। सो लिखा है पीछे के पेज पे, द एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर्स ऑन 1/4/2016। सो न्यू पार्टनर्स सी को एडमिट करते हैं। ए सैक्रिफाइस 1/12 शेयर एंड बी सैक्रीफाइड 1/6 शेयर। तो बोल ही दिया है सैक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/12 एंड बी का 1/6। तो यहाँ पे मेरे को सैक्रीफाइस रेशियो चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, ए का 1/12 है, बी का 1/6 है, तो दोनों की डिवाइड अमाउंट सेम करने के लिए बी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/12 एंड 2/12, सो रेशियो इज अ 1:2। सो दिस इज अ सैक्रीफाइस रेशियो। और सी को कितना मिलेगा, तो वो कैलकुलेशन कर दूँ, सी का न्यू रेशियो मीन्स के प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कितना रहेगा, तो 1/12 ए देगा, 2/12 बी देगा, सो टोटल 3/12। इसको कट करेंगे तो आएगा 1/4। तो सी का प्रॉफिट एंड लॉस मिल गया, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी विल ब्रिंग प्रपोज्ड डेट कैपिटल। सो इट्स अ न्यू एडजस्टमेंट, हमारे लिए नया है, इसके पहले हमने कभी भी ऐसा कुछ सॉल्व नहीं किया था। तो सी है वो कितनी कैपिटल ला रहा है, प्रपोज्ड डेट कैपिटल यानी कि कितनी ला रहा है वो यहाँ पे बताया नहीं है, वो हमको फाइंड करना है। नंबर 3, सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। चलिए सी गुडविल ला रहा है कैश में, अच्छी बात है। गुडविल इज़ वैल्यूएटेड एट 1,80,000। तो गुडविल की वैल्यू भी यहाँ पे दी है, कितनी है फर्म की गुडविल, सो वो हम बाद में सॉल्यूशन करेंगे इसका। नंबर 4, फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएट एट 10%। सो यहाँ पे फिक्स एसेट्स पे एडजस्टमेंट है, तो फिक्स एसेट्स पे हम टिक मार्क करेंगे। तो फिक्स एसेट्स में क्या आएगा, प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग दोनों फिक्स एसेट्स में आता है। ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट, तो डेटर्स पे भी टिक मार्क होगा। एंड लास्ट वन इज नंबर 6, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹3,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। सो इसको कहीं पे हम टिक मार्क नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे। चलिए तो हम हमारा सम स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे एडजस्टमेंट भी हमने सुन लिए, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है कैपिटल, तो कैपिटल में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, एंड अमाउंट इज 80,000। रिजर्व फंड, तो एज पर रूल्स रिजर्व फंड पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, शेयर, ओल्ड रेशियो में यानी कि 2:1 में 21,000 को 2:1 में हम कन्वर्ट करेंगे,
तो अमाउंट मिलेंगी 14,000 and 7,000। सो नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, कहीं पे शेयर नहीं होगा। क्रेडिटर्स एंड अमाउंट इज 75,000। फिर आएगा बिल्स पेएबल एंड अमाउंट इज 10,000। चलिए अब देखते हैं एसेट साइड। तो सबसे पहले दिया है प्लांट मशीन एंड अमाउंट इज 80,000। एडजस्टमेंट है सो इनर में लिखेंगे। नेक्स्ट बिल्डिंग 50,000, बिल्डिंग 50,000 एडजस्टमेंट है सो अंदर में लिखेंगे। स्टॉक 17,000 नो एडजस्टमेंट, बाहर लिख देंगे। डेटर्स 50,000 माइनस बैड डेट रिजर्व है तो वो अभी नहीं लिखेंगे, बाद में उसको लिखेंगे। कैश एंड बैंक, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश में ओपनिंग बैलेंस डेबिट है सो डेबिट साइड एंड अमाउंट इज 33,000। सो क्या था ये सर? तो ये था बैलेंस शीट। अब हम देखेंगे इसके एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट वाला था, उसके पहले लिखा है दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर्स, चलिए कोई बात नहीं है। फर्स्ट ए सैक्रिफाइस 1/12 शेयर एंड बी सैक्रिफाइस 1/6 शेयर फ्रॉम देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ सी, यानी कि सी को ए 1/12 दे रहा है, बी 1/6 दे रहा है, तो उसका हमने कैलकुलेशन करके सैक्रिफाइस रेशियो 1:2 हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है। ओके उसके बाद सेकंड वाला बोला है सी विल ब्रिंग अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो कितनी कैपिटल ला रहा है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो फाइंड करना है, तो वो अभी हम फाइंड नहीं कर सकते, उसको लास्ट में फाइंड करना है। नेक्स्ट नंबर 3, सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सी अपनी गुडविल की अमाउंट कैश में ला रहा है, तो देखो कितनी ला रहा है, तो यहाँ फर्म की टोटल गुडविल इज इक्वल टू 1,80,000 बोला है, और लिखेंगे सीज गुडविल फाइंड करेंगे इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू उसका शेयर कितना है 1/4, सो 1,80,000 इंटू 1/4 करेंगे सो अमाउंट इज 45,000। सो गुडविल कितनी लाएगा सी, 45,000 कैश में लाएगा, तो कैश कम सीन तो उसके डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे गुडविल, और दोनों पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा गुडविल कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो के हिसाब से यानी कि 1:2 के हिसाब से, तो आएगा 15,000 and 30,000। ये गुडविल का था इसीलिए मैंने अलग पेन से लिखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिक्स एसेट्स इज टू बी डेप्रिशिएट एट 10%, यानी कि फिक्स एसेट्स का डेप्रिशिएशन काउंट करना है 10%। तो दो है यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, तो 80,000 का 10% यानी कि 8,000, 50,000 का 10% यानी कि 5,000, माइनस करेंगे 80 में से 8 गया तो 72, 50 में से 5 गया तो 40, माइनस हुआ है तो दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड सेकंड बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट इज 8,000 and 5,000 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट, यानी कि ये 50,000 है वो सॉल्वेंट है, यहीं 50 लिखना है। अब देखो बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट पे हमको कितना दिया था, तो 50 में से 4 बैड डेट रिजर्व माइनस किया था, अब माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उतना ऐड कर दिया वापस, यहाँ पे कुछ ऐड करते थे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड BDR अकाउंट, कितना रुपीज़ था 4,000, तो पूरे का पूरा 4,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹3,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो इसको बोला जाएगा प्री पेड इंश्योरेंस, तो वो आएगा क्रेडिट साइड, क्यों आएगा, तो इट्स अ प्री पेड, कोई भी एक्सपेंस हम एडवांस में प्री पेड करते हैं तो हमारे लिए इनकम बोला जाता है, इसीलिए क्रेडिट साइड आएगा, अमाउंट इज 3,000
यहाँ पे क्रेडिट किया तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3000। ओके, अब एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, एडजस्टमेंट नंबर 2 सी के कैपिटल का, तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले हमको टोटल लगाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का। चलिए 8 + 5 = 13000। 13000 में से 7 को माइनस करेंगे, 4 + 3 = 7000 माइनस करेंगे तो 3000 आया, 6000 आया। उसको क्या बोलेंगे, लॉस। ए एंड बी के बीच में शेयर करेंगे 2:1 में, तो 2:1 के हिसाब से आएगा 4000 and 2000। वहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट, 4000 and 2000 लॉस। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ए एंड बी का टोटल लगाना है। तो चलिए ए का टोटल करते हैं, 80 + 14 यानी कि 94 + 15 यानी कि 1,09,000। उसमें से 4000 माइनस करेंगे तो 1,05,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। चलिए 40 + 30 = 70 + 7 यानी कि 77,000। उसमें से 2000 माइनस करेंगे तो 75,000। अब देखो क्या करना है, अब देखो ए एंड बी दोनों का कैपिटल मिला, ए का मिला 1,05,000, बी का मिला 75,000, यानी कि दोनों का मिला के हुआ 1,80,000। दोनों की ये कैपिटल हुई टोटल, ए एंड बी का कैपिटल। अब सी कितनी ला रहा है, प्रपोज नेट कैपिटल। तो देखो सी को कितना शेयर मिल रहा है, 1/4। तो ए एंड बी को कितना मिलेगा, तो हमारे शॉर्ट सम की जैसे टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1 में से सी का माइनस करेंगे 1/4, तो कितना बचेगा 3/4। ये मैंने आपको बताया था क्यों, तो नीचे 1 में से कभी भी माइनस करते हो तो डिवाइड की अमाउंट में से ऊपर की अमाउंट माइनस कर दो, जो भी आएगा वो लिखना है। तो 3/4, तो ए एंड बीज शेयर इज इक्वल टू 3/4। तो चलो अब कैपिटल फाइंड करते, तो ए एंड बी का 3/4 शेयर है और उसकी कैपिटल कितनी है, 1,80,000। तो ए का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है, 1/4, तो उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, ए एंड बी का शेयर मिला 3/4, दोनों का मिला के शेयर हुआ 3/4, तो उसके हिसाब से कैपिटल है 180, ये रही। तो सी का 1/4 है तो उसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1/4 × 1,80,000 डिवाइड बाय 3/4, 4 गए तो 1,80,000 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 60,000। तो 60,000 मिला, वो क्या मिला, सीज कैपिटल। तो सी को कितना कैपिटल लाना पड़ेगा, 60,000। तो कैश कम्स इन यानी कि डेबिट साइड, सीज कैपिटल अकाउंट, और सी के अकाउंट में क्रेडिट साइड 60,000, लिखेंगे कैश अकाउंट। ओके, सो ये 60,000 एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आल्सो 60,000। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ए बी एंड सी 1,05,000, 75,000 एंड 60,000। सो टोटल अमाउंट इज 2,40,000। चलिए कैश का टोटल 33,000, 45,000 एंड 60,000, 1,38,000, 1,38,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट 1,38,000। अब हम इसका टोटल लगाएंगे, चलिए बैलेंस शीट में 2,40,000 + 75,000 + 10,000 = 3,25,000। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 72,000, 45,000, 17,000, 50,000, 3,000, 1,38,000, सो 3,25,000। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 28। नया क्या था,
तो न्यू पार्टनर्स जो भी आता है वो कितने कैपिटल लाता है वो नहीं बताया है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोला है। तो ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस हमने फाइंड किया, बैलेंस का टोटल लगाया और बोला कि भाई ए एंड बी का शेयर यानी कि ओल्ड पार्टनर्स का शेयर इतना है तो कैपिटल इतनी, तो न्यू पार्टनर्स का शेयर इतना है तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ये फार्मूला लगा के हमने न्यू पार्टनर्स की प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइनल की। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 28। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 29 और देखेंगे उसमें क्या नया है, क्योंकि अब जो भी सम बाकी हैं टू सम ही बाकी हैं तो वो दोनों सम में कुछ ना कुछ नया होगा और उसमें सबसे हार्ड वाला लास्ट वाला होगा 30 नंबर, उसमें कुछ नया फाइंड करने को रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।